Good morning. So today we'll start with the views of Louis Dumont on caste system. Louis Dumont on caste system. Right. So Louis Dumont kya the? Ek Louis Dumont. सबसे पहले समझते हैं लुई डुमोंट कौन थे. लुई डुमोंट जो है एक स्ट्रक्चरलिस्ट थे, मतलब इनका जो लाइन ऑफ थॉट था वो स्ट्रक्चरलिस्ट लाइन ऑफ थिंकिंग थी. अब स्ट्रक्चरलिस्ट कहते क्या है, स्ट्रक्चरलिस्ट थे ये. स्ट्रक्चरलिस्ट क्या कहते हैं कि जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, मतलब ये फॉलोअर थे लीवाई स्ट्रॉस के. और लीवाई स्ट्रॉस जिन्होंने जो सबसे बड़े प्रोपोनेंट थे स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल के, वो क्या कहते थे, जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है जो बाहर देख रहे हो आप, वो क्या है, हमारे दिमाग के अंदर, हमारे मेंटल प्रोसेसेस के अंदर बैठा हुआ है, एम्बेडेड है, हमारी अनकॉन्शियस माइंड के अंदर स्ट्रक्चर्ड है वो. जो बाहर आप देख रहे हो वो इस माइंड की सरफेस मैनिफेस्टेशन है. और माइंड जो है वो कैसे सोचता है, बाइनरी में. बाइनरी मतलब 0-1, हॉट कोल्ड, डे नाइट एंड प्योर इम्प्योर. सो ये जो बंदा था लुई डुमोंट, वो कास्ट सिस्टम को प्योर इम्प्योर की नजर से देख रहा है कि कुछ जो है कास्ट वो प्योर ऑक्यूपेशन में है, कुछ इम्प्योर ऑक्यूपेशन में है, और ये जो है कास्ट सिस्टम का बेसिस है. समझ गए, ये वाली चीज डुमोंट बात करते हैं. अब डुमोंट कैसे बात करते हैं, डुमोंट बोगले से इंस्पायर्ड थे. सो राइट डाउन ड्यूमोंट का वे जो लिखेंगे. सो ड्यूमोंट जो है वो बोगले से इंस्पायर्ड थे. बोगले क्या कहते हैं, दैट कास्ट सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, कास्ट सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय series of hereditary groups, series of hereditary groups or you can say in bracket these are jatis, hereditary groups characterized by hierarchy, number one. Hierarchy characterized by three factors. Number one, hierarchy or gradation. And this gradation is on the basis of ritual status. Gradation based on रिचुअल स्टेटस, कि रिचुअल में आप कितने ऊपर आते हो, है ना. जब कोई रिचुअल हो रहा है उसमें आपका स्टेटस क्या है, ऊपर का है या नीचे का है, ठीक है. सो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक बुगले ने क्या बोला, रिचुअल स्टेटस के बेस पे हायरार्की और ग्रेडेशन, कि ग्रेड में आप, रैंक में आप कितने ऊपर हैं. दूसरा ये बोलते हैं म्यूचुअल रिपल्शन, म्यूचुअल रिपल्शन, ठीक है. ये म्यूचुअल रिपल्शन का मतलब कि एक दूसरे से दूरी, कि ये मैं नहीं हूं, मैं इसके साथ इतना इंटरेक्ट नहीं करूंगा, मैं इसके साथ खाना नहीं खाऊंगा, मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगा,
म्यूचुअल रिपल्शन एग्जिस्ट करती है कास्ट सिस्टम में, सो यू नो दैट, ठीक है. सो म्यूचुअल रिपल्शन एंड देर आर रूल्स दैट गवर्न दिस, दैट गवर्न द म्यूचुअल कॉन्टैक्ट, द म्यूचुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. And maintain their separation. Third characteristic according to Bogle was division of labor. And mutual interdependence. Mutual interdependence. So, Louis Dumont was inspired by the Bouglé's view, right? Louis Dumont was inspired by Bouglé's view, and he argued that caste is a result of unconscious